तो जितने भी सीए इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स अपने मई 24 के अंदर न्यू कोर्स के अंदर अपना एग्जाम लिखने जा रहे हैं, जिनका अटेम्प्ट मई 24 में ड्यू है, वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक करेगा अगर ये वीडियो को स्किप करेगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ICAI ने अपने स्टडी मटेरियल अंडर द न्यू स्कीम्स के अंदर जो आपका पेपर नंबर 2 ऑफ ग्रुप वन का जो पेपर नंबर 2 है उसका नाम है कॉरपोरेट एंड अदर लॉ। इस वाले पेपर के अंदर ICAI ने एक अडेंडम ऐड किया है। अब वो अडेंडम क्या है? अडेंडम ये है कि आपकी जो कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज द सेबी वाला चैप्टर्स और भी अपने जो अदर चैप्टर्स हैं उसके पार्ट्स को आपको जरूर देखना पड़ेगा। ये एक अडेंडम है, दैट मीन्स यू कैन कंसिडर जस्ट ए सप्लीमेंट्री ऑफ द कॉरपोरेट एंड अदर लॉ वाला पेपर। आप इसको देख सकते हैं ICAI के बोर्ड ऑफ स्टडी के नॉलेज पोर्टल पे आप जाकर के विजिट करें वाइट, और साथ में आपको स्टडी मटेरियल अंडर द न्यू स्कीम्स के अंदर पर क्लिक करना है और इंटरमीडिएट वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक करके सेकंड नंबर वाले पेपर जो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ वाला पेपर है उसके नीचे आपको दिख जाएगा अडेंडम राइट। इसका लिंक अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप अगर मई 24 में अगर हम एग्जाम लिखने जा रहे हैं ग्रुप वन के अंदर तो ये चीज़ आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, इसीलिए ICAI ने उसको अडेंडम के नाम से दिया है, दैट इज यू कैन जस्ट कंसिडर द सप्लीमेंट्री ऑफ द कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ वाला पेपर। तो इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स जिनके पेपर ग्रुप वन के अंदर जो अपने अपीयर करने जा रहे हैं मई 24 में, वो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ वाले में अडेंडम को जरूर सप्लीमेंट्री को कंसिडर कर लें राइट, क्योंकि अपनी जब वो प्रिपरेशन करें अपनी क्लासेस जहाँ से भी उन्होंने ली है उसके साथ वो अडेंडम को रेफर जरूर कर लें। होपिंग सो यू फाउंड दिस वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।